सिम निकालते ही नो सर्विस हो रहा है, सिम प्रीपेड में आना है और चेक करना है क्या ये चेंज हो रहा है कि नहीं, अपडेट हो रहा है कि नहीं, ये सर्च करेगा, काम इसमें पूरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी आ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे रेडमी 8 नो सर्विस। ये नो सर्विस में है, दिख रहा है, इसमें डुअल सिम कनेक्ट किया गया है, जियो और आइडिया का है। ठीक है, सिम निकालते ही नो सर्विस हो रहा है, सिम लगाने के बाद यहाँ पे दोनों सिम डिटेक्ट हो रहा है, मतलब इसके अंदर IMEI बेसबैंड जो है ओके होगा। देखिए दोनों सिम डिटेक्ट हो रहा है नो सर्विस में, इसके मतलब है कि इसके अंदर IMEI बेसबैंड ओके होगा। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं जो आपको समझना है प्रैक्टिकली क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेटिंग में आएंगे सबसे पहले, और अबाउट फोन में ये IMEI बेसबैंड आपको चेक नहीं करना है, ऑलरेडी सिम डिटेक्ट हो रहा है, मतलब कि IMEI और बेसबैंड क्या है ओके है, और IMEI भी इसमें ओके होगा तभी डिटेक्ट हो रहा है। सेटिंग में आना है, सिम कार्ड सेटिंग में जाना है, और आपको यहाँ पे जियो या आइडिया जो भी सिम इंसर्ट किया आपने, यहाँ पे नेटवर्क प्रेफर्ड में आना है और चेक करना है क्या ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, हो रहा है 2G पे गया और ये LTE पे, यानी कि ये चेंज हो रहा है, नेटवर्क प्रेफर्ड बोलते हैं इसको। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में आएंगे और देखेंगे यहाँ पे लिस्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओके करना है, वेट करना है लिस्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं, ये सर्च करेगा, वेट करना है, देखते कितना टाइम लेता है। ठीक है, और लिस्ट जनरेट होता है नहीं होता है, और होता भी है तो कितने कंपनी की हो रही है लिस्ट। यहाँ पे काम इसमें पूरा हुआ है, ठीक है, बैक साइड में देख सकते हैं, इधर सभी IC पे लगभग काम हो चुका है, टोटल जितनी भी IC सब चेंज की जा चुकी है। ऐसा प्रॉब्लम आपके पास भी आता होगा, उसी का सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स के थ्रू मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है, जिसकी सीट बुकिंग चल रही है उसकी सीट बुकिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर दे रहे नंबर से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके सीट बुकिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसकी सीट बुकिंग भी कर सकते हैं, सीट बुकिंग स्टार्ट है। देखिए अभी तक ये सर्च लिख रहा है, केवल सर्चिंग में है, मतलब ये लिस्ट जनरेट नहीं करेगा, एरर हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट आना होता है तो थोड़ा पहले ही आ जाता है वो, फिर भी हम वेट करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा देर में आता है। अगर लिस्ट जनरेट हो रहा है, नेटवर्क प्रेफर्ड वर्क कर रहा है, तो हमारा ट्रांसीवर के चांस होने का, सही होने का चांस जो है 98% 95% हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसीवर यानी WTR हमारा सही लगा है और वो सही है, वो काम कर रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमें चेक करना है WTR के ऊपर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद ही हम पूरा डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो वेट करते हैं जब तक ये सर्च करता है, जब तक कि ये एरर नहीं हो जाता। वैसे ये सर्च करेगा तो एरर ही होगा, देखिए एरर हो गया, यहाँ पे ये रिट्राई कर रहा है, बैक आ जाते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें यहाँ पे एक कोड डायल करना है, *#6446#*#। ठीक है, और ये जो कोड है वो इंजीनियरिंग मोड का कोड होता है, शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कोड टाइप कर दिया है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कोड को। *6484 होता है, *#6484#*। इस तरह से आएगा। अब आपको सिम डिटेक्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको देखना है सिम 1 डिटेक्ट पास, सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है कुछ। ठीक है, सिम 2 डिटेक्ट पास, सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे रीसेट लिखा, पास मत प्रेस करना, अब रीसेट पे क्लिक करना, करते ही यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ शो कर जाएगा, यानी कि WTR मेरा काम कर रहा है। ठीक है, WTR हमारा काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसमें हमारा जरूर से वोल्टेज मिसिंग का केस तो 100% नहीं है, तो हम एक बार मल्टीमीटर से जो है ऊपर आपको यहीं पे दिखा देते हैं कि वोल्टेज मिसिंग है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे कर लेते हैं, और यहाँ पे जो दो कैपेसिटर होते हैं रेडमी 8 में आपने और 8 में देखा होगा, यहीं पे दो बड़े से कैपेसिटर होते हैं, इनके ऊपर वोल्टेज चेक कर, देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है, और इसके जस्ट बगल वाली कैपेसिटर पे जो है 0.99 मतलब 1 वोल्ट आ रहा है। दोनों वोल्टेजेस यहाँ पे आ रहे हैं WTR की, मतलब वोल्टेज मिसिंग केस नहीं है। मतलब क्या, मतलब कि 2G पावर एम्पलीफायर जो फ्रंट एंड मॉड्यूल है, जो PFO है पीछे लगा हुआ, 4G RF, DRX IC, APT IC और WTR IC सबकी RFFE लाइन सही है, सबकी वोल्टेज लाइन सही है, सबको वोल्टेज भी मिल रही है, RFFE भी मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, एंटीना लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम एंटीना को भी चेक कर सकते हैं। एंटीना का केबल भी यहाँ पे चेंज किया गया है, सब बोर्ड भी चेंज किया गया, सब कुछ हो चुका है, DRX IC से लेके लगाए सब कुछ यहाँ पे, DPDT स्विच टोटल। तो अब हमें यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखे, आपको DSO से एक चेकिंग बस करना होता है, एक्सो क्लॉक की लाइन,
एक्सो क्लॉक लाइन में प्रॉब्लम आने से ऐसा होगा कि सिग्नल का स्ट्रेंथ भी दिखेगा और आपका नो सर्विस रहेगा, यानी कि WTR वर्किंग में भी रहेगी, लिस्ट जनरेट नहीं होगा उस टाइम। और जब आप इंजीनियरिंग मोड में जाके सिम का स्ट्रेंथ देखेंगे तो वहाँ पे आपको सिम का स्ट्रेंथ भी दिखेगा, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, यानी कि रेडियो ऑफ कंडीशन नहीं है, ये वोल्टेज मिसिंग नहीं है, रेडियो ऑफ नहीं है, एक्सो इन लाइन पे हमें ट्रेसिंग करनी है, RFFE पे बिल्कुल भी ट्रेसिंग नहीं करनी है। चलिए माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और एक्सो इन लाइन को DSO की मदद से चेक करते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या हमें पावर IC चेंज करना पड़ेगा या हमें एक्सो इन लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट देखना पड़ेगा या WTR चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए माइक्रोस्कोप के ऊपर चलते हैं और देखते हैं एक्सो इन लाइन का बिहेवियर कैसा है। तो माइक्रोस्कोप पे हमने कनेक्ट कर लिया है फ़ोन को और अब जो है हमें एक्सो इन लाइन देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक्सो इन लाइन जो है WTR के पास में ही होता है, ठीक है, ये WTR नज़र आ रही है। अब हम स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं, इसकी स्कीमेटिक हमने ओपन कर रखी है, ये WTR का नंबर हम कॉपी कर लेते हैं और स्कीमेटिक में इसको पेस्ट कर देते हैं। सर्च करते हैं, ये हमारा WTR का ग्राउंड और पार्ट है, ये हमारा एक्सो इन पार्ट है, 51 नंबर की पिन पे कनेक्टेड होना चाहिए ये एक्सो इन, जिसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज़ होता है। इसमें एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक सीरीज में कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, फिर एक कैपेसिटर है। तो हम चेक करते हैं C2524 जो दिख रहा है C2514, इसके लेआउट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसके लेआउट में क्या कहाँ पे ये लगा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट इसके बगल में R2506 यानी दूसरा रजिस्टर 2506 और तीसरा कैपेसिटर C2523 C2523 तीनों लाइन से यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल लगा हुआ है, ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, रजिस्टर और कैपेसिटर। तो हमारा एक यहाँ पे पैरेलल लगा है, ये दोनों हमारे क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। तो हम इनके ऊपर चलिए चेक करते हैं, पहले हम चेक करेंगे इनके ऊपर वोल्टेज यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम मल्टीमीटर के हिसाब से यहाँ पे हम इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट जो है आ रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर पे, दोनों साइड आपको 1 वोल्ट दिख रहा है, तो कैपेसिटर पे भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है कैपेसिटर पे, हाँ एक साइड 1 वोल्ट कैपेसिटर पे दिख रहा है, ठीक है, कैपेसिटर के दूसरे साइड कुछ नहीं दिख रहा है। अब हमें ये देखना है कि कैपेसिटर का कौन सा साइड, इस पर फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं, 1 वोल्ट आ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी भी आनी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन, इसलिए हम DSO से कंफर्म करेंगे। ये वोल्टेज आने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हम DSO को पहले कैलिब्रेशन पॉइंट पे लगा के कैलिब्रेट कर लेते हैं। इस प्रकार से कैलिब्रेट हो जाता है जब DSO हमारा, तब हम DSO को इस कंपोनेंट के ऊपर प्लेस करेंगे जो कंपोनेंट हमें चेक करना है, जिसके ऊपर हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। और उसके लिए हमें जो है एक बार फ़ोन का ग्राउंड पॉइंट कन्फर्म करना होता है। तो आपको ये सब जो पॉइंट दिख रहे हैं, जो ये येलो कलर के पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब हमारे क्या हैं, ग्राउंड पॉइंट होते हैं। तो DSO का ये जो ग्राउंड वाला वायर है हम इसके येलो पार्ट पर कनेक्ट कर देंगे, और याद रहे कि ये सही से प्रॉपर कनेक्ट हो, अगर लूज रहेगा या प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है क्लियरली एक बार चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं आ रही है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे DSO को हम ऑटो कैलिब्रेशन पॉइंट पे भी ले जाएंगे अभी। चलिए ऑटो बटन प्रेस करिए DSO को, और इस कंपोनेंट के ऊपर हमने टच कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर पे भी हम चेक कर सकते हैं। ऑटो बटन फिर से प्रेस करिए एक बार, तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, यहाँ पे नहीं इधर फ्रीक्वेंसी है ना ही इधर फ्रीक्वेंसी है। हम DSO को मैन्युअली सेट कर लेते हैं, मैन्युअली सेट कर लेते हैं कितना पे करना चाहिए हमें, 1 वोल्ट, और जो माइक्रो सेकंड है वो यहाँ पे हम माइक्रो सेकंड इसका सेट कर लेते हैं, ठीक है, 100 माइक्रो सेकंड, 200 माइक्रो सेकंड हम इस पर सेट कर सकते हैं, और इस रेंज पर हम एक्सो क्लॉक लाइन को प्रॉपर चेक कर सकते हैं, मिलना चाहिए एक्सो क्लॉक यहाँ पे। तो इस कैपेसिटर पे, ये जो कैपेसिटर सीरीज में, इसके दोनों साइड में फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम पावर IC की है, फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर रही है या फिर क्या है। तो इसे कन्फर्म करने के लिए, वैसे तो इसमें पावर IC भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है, तो अब हम क्या करें, वोल्टेज तो दिख रही है इस पे, मतलब ये जो वोल्टेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पावर IC से आ रही है क्या, फ्रीक्वेंसी बीच में सीरीज में कैपेसिटर है तो वोल्टेज आने के चांस कैसे है। यहाँ पे हमने देखा थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ इसको, यहाँ पे हमने देखा कि इस दो कंपोनेंट के ऊपर वोल्टेज आ रही है, इस कैपेसिटर के अपर साइड यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, और पावर IC पे ये कैपेसिटर कनेक्टेड है जो कि सीरीज में है, जैसा कि स्कीमेटिक में दिख रहा है। एक बार हम आ जाते हैं फिर से, ये कैपेसिटर, तो पावर IC से वोल्टेज नहीं आ रही है, पावर IC से आती तो इसके इस साइड वोल्टेज होता ना कि इस साइड होता, यहाँ पे वोल्टेज है, ये पूरी वोल्टेज जो आ रही है ना ये WTR से आ रही है, WTR वोल्टेज को जनरेट कर रहा है इसमें,
एक्सो क्लॉक लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा है WTR, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी? फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए पावर आईसी से, जो कि नहीं आ रही है। उस वोल्टेज से मर्ज होने के लिए फ्रीक्वेंसी भी आती है, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो वोल्टेज वहाँ पे, वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी मर्ज नहीं हो पा रही है, वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी DSO में नहीं मिल रही है, केवल और केवल मल्टीमीटर से वोल्टेज मिल रही है। तो चलिए हम चेक करते हैं, इस कैपेसिटर के दोनों साइड GR मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कैपेसिटर के दोनों साइड GR आ रहा है नहीं आ रहा। तो फोन को हम ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दिखाते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको कैपेसिटर के दोनों साइड GR आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम इसे डायोड रेंज में सेट करेंगे मल्टीमीटर को। सिंपल यहाँ पे देखिए डायोड रेंज OL लिखा हुआ है, ठीक है। और हम जो है कंफर्म कर देते हैं कि वोल्टेज कहाँ पे आ रहा था। देखिए वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था ऊपर, नीचे नहीं आ रहा था। नीचे वाला जो साइड है ये कैपेसिटर से पावर आईसी से कनेक्टेड है, तो इस साइड पे हमें GR आना चाहिए और ऊपर साइड भी GR आना चाहिए। देखिए ऊपर साइड हम पहले जहाँ पे वोल्टेज आ रहा था वहाँ पे GR हम चेक करते हैं, तो हमें वहाँ पे 1000 की GR जो है रिवर्स बायस में मिल रही है। लेकिन कैपेसिटर के नीचे देखते हैं यहाँ पे OL आ रहा है, दिख रहा है साफ आपको। और यहाँ पे एक डाउट शुरू में बनता है कि जब ये सील्ड कटी हुई है यहाँ से, तो इस तरह से लेयर निकले हुए हैं यहाँ से, तो उस लेयर की वजह से ये जो कैपेसिटर का डाउन साइड है ना, ये पावर आईसी से कट गई है। अब देखिए यहाँ से ये पावर आईसी से क्या हो गई है, कट गई है। तो वोल्टेज ट्रांसीवर से जनरेट हो रहा है, ना कि पावर आईसी से आ रही है। इसीलिए वोल्टेज चेक करके कंफर्म कभी नहीं करना चाहिए आपको। DSO फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी लाइन में DSO यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको OL आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट जो है पावर आईसी के अंदर से कटा हुआ है। तो चलिए बिटमैप की मदद से देख लेते हैं कि वो वाला पार्ट पावर आईसी के अंदर कहाँ पे कनेक्ट होता है, कौन से बॉल पे कनेक्ट होता है। बिटमैप इसका अवेलेबल है, अगर बिटमैप अवेलेबल नहीं होता तो उसके उस चीज़ को कैसे कंफर्म करना है, वो सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में, ऑनलाइन वीडियो कोर्स में और वेबसाइट वीडियो कोर्स में, लाइव क्लासेस में कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा एक्सो WTR क्लॉक लाइन है, यहाँ से ये सीधा पावर आईसी के साइड बता रहा है। और अगर ये सीधा यहाँ से पावर आईसी के इस बॉल पे कनेक्टेड है तो GR आना चाहिए। वहाँ पे GR नहीं है, मतलब ये वाला पैड ओपन हो गया है, पावर आईसी के अंदर से नहीं हुआ है, ये ओपन हुआ है यहाँ सील्ड कट करते टाइम, यहाँ से कट होके ओपन हुआ है। तो हमें एक जम्पर यहाँ से निकाल के जो है पावर आईसी उठा के पावर आईसी के इस फोर्थ नंबर, यहाँ से अगर हम कंसीडर कर ले तो फोर्थ नंबर की बॉल पे जम्पर करना पड़ेगा और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको।
जंपर करने के बाद भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है 800 की, ठीक है, यानी कि अब कनेक्ट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे इसको, देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क आता नहीं आता है। इसके अंदर देखिए अदर साइड 4G RF, APT IC सब पे काम हुआ है, WTR DRX सब पे काम हुआ था टोटल IC पे, और यहाँ पे एक्सो इन नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से ये जो है इस कंडीशन में था। लिस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है और नो सर्विस है, जबकि नेटवर्क के स्ट्रेंथ सिग्नल स्ट्रेंथ शो हो रहे थे इंजीनियरिंग मोड में। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम पावर आईसी से भी होती है, पावर आईसी चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वहाँ से आने लगती है। यहाँ पे तो ये लाइन ही कटी हुई थी जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी। तो चलिए हम देख लेते हैं, पूरा ऑन होने देते हैं इसको। सर्च करते हैं, अब हम इसको देखते हैं क्या है। नेटवर्क प्रेफरेट LTE कर देते हैं, और इसको ऑलरेडी LTE है। एक बार हम चेक करते हैं वहाँ पे XO फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं आ रही है। हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी आगे रजिस्टर से डैमेज हो, कैपेसिटर तक तो ओपन था, ये आगे रजिस्टर भी हम चेक कर लेंगे। अभी वोल्टेज आ रही थी तो फ्रीक्वेंसी ज़रूर आने लगी होगी। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं लिस्ट जनरेट हो रहा नहीं हो रहा। मोबाइल नेटवर्क में यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक से हम ऑफ कर देते हैं और मैनुअली सर्च करते हैं। DSO पे आ जाते हैं और चेक करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी आती है नहीं आती है। इसके बाद पहले सर्च हो जाने देते हैं। ठीक है, अभी भी लिस्ट नहीं बन रही है। हम DSO पे आ जाते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं।
एक बार हम कैलिब्रेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ऑटो बटन प्रेस करिए। एक मिनट, ये हमसे छूट गया था, ठीक है। आप प्रेस करिए, एक बार कंफर्म करते हैं, शायद जंपर टूट गया डीएसओ से, ठीक है। जंपर यहाँ पे टूट गया डीएसओ के प्रॉप से लग के, इसको थोड़ा मजबूती से करते हैं। थोड़ा माइक्रो जंपर ये यूज़ किया गया है, थोड़ा मोटा जंपर भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता था। देख लेते हैं आप, जंपर हो चुका है और अब देखते हैं। ऑटो बटन प्रेस करेंगे, फिर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, फ़ोन को हम एक बार चेक करते हैं ये ऑन है या नहीं है। सॉरी, ये फ़ोन जो है टच होके ग्राउंड से शायद ऑफ हो गई है, हम दोबारा फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। ऑटो बटन प्रेस करिए, तो 19.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरी दिख रही है अब। और एक बार हम क्रॉस रजिस्टर के अदर साइड चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी दिख रही है। और इस कैपेसिटर तक पहुँच रही है क्या? नहीं पहुँच रही है। इस रजिस्टर के एक साइड है, रजिस्टर के दूसरे साइड नहीं है। आप देख सकते हो रजिस्टर के एक साइड फ्रीक्वेंसी है 19.2 मेगाहर्ट्ज। ज़रा दिखाइए कहाँ पे दिख रहा है, हाथ से दिखाइए, ठीक है, दिख रहा है। रजिस्टर के दूसरे साइड यहाँ पे जब देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। रजिस्टर को जंपर कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं चेक, यानी कि रजिस्टर भी यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, तो इस रजिस्टर को भी हमें जंपर करना होगा। यानी कि हम यहाँ से सीधा जो है ना, यहाँ से सीधा कैपेसिटर से रजिस्टर के इस छोर पे हम दे सकते हैं जंपर, या इस कैपेसिटर पे दे सकते हैं जंपर, इससे सर्किट बाईपास हो गई, ठीक है। और ये जो जंपर एक्सो इन की है, इसको यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाद में हम इसके ऊपर मास्किंग कर लेंगे, अभी हम चेक कर लेते हैं। रजिस्टर को हमने बाईपास कर दिया है, आई थिंक अब नेटवर्क जो है आनी चाहिए, क्योंकि हमने एक्सो इन की लाइन को जब जंपर किया तो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर दिखने लगी और रजिस्टर की एक साइड दिख रही है, दूसरे साइड नहीं दिख रही है।
मतलब सेवर रजिस्टर डैमेज है, रजिस्टर भी फ्रिक्वेंसी को ड्रॉप कर रहा था। तो अब जो है हम चेक करते हैं, ऑन होने के बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा नेटवर्क आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सभी आईसीज पे काम की गई है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आईसी ठीक से न लगी हो किसी के द्वारा, या फिर वो आईसी डैमेज हो तो वीक नेटवर्क आए, ये सारी चीज़ें अलग बात है, लेकिन सिग्नल यहाँ पर आ जानी चाहिए। देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। एक बार कंफर्म करते हैं जम्पर जो है वो कनेक्ट है प्रॉपर या ओपन है कहीं पे। ठीक है, कनेक्ट है, नो सर्विस शो हो रहा है। सेटिंग में आते हैं, लिस्ट के लिए हम एक बार ट्राई करते हैं, 2G पे सेलेक्ट हो रहा है, लिस्ट चेक करते हैं। ठीक है, लिस्ट अभी जनरेट नहीं हो रही है, एक बार हम फिर से DSO पे चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी DSO पे हम चेक करेंगे और देखते हैं वहाँ पे शो हो रही है नहीं हो रही है। ऑटो बटन प्रेस करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई है। हम जम्पर को डिसकनेक्ट करके ट्राई करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम और भी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई है यहाँ पे। हम जम्पर को डिसकनेक्ट करते हैं ये वाली, और अब देखते हैं आ रही है फ्रीक्वेंसी अभी। ठीक है, आ रही है, ऑटो बटन प्रेस कर दीजिए एक बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस रजिस्टर के इस साइड भी आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, इसके अदर साइड कैपेसिटर के, तो चलिए इस रजिस्टर के अदर साइड जहाँ पे नहीं आ रहा वहाँ पे हम जम्पर कर देते हैं, इसी जम्पर को वहाँ टच कर देते हैं बगल में। ये जो जम्पर है इसको बस ऐसे सटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, फोन को ऑफ कर लेते हैं। तो फिर से एक बार ऑन करके चेक करेंगे, ऑन हो जाने देते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी भी नो सर्विस आ रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं कोई भी सिग्नल आ रही है नहीं आ रही है। एक बार हम फिर से DSO को चेक करते हैं, DSO पे इसकी फ्रीक्वेंसी, इस रजिस्टर के
एक साइड, अदर साइड फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जा रही है। एक बार ऑटो बटन प्रेस करिए। तो ये देखिए, एक यहाँ पे जो है नया ही ट्रिक मिला होगा आपको। यहाँ पे जैसे ही हम एक्सो इन लाइन में इस जम्पर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी आ रही थी कैपेसिटर पे जहाँ पे जम्पर किया गया है, और इस रजिस्टर पे आ रही थी। जब हम इसको WTR से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉप हो जा रही है। इसको हम जम्पर को ब्रेक करते रहें अगर, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें प्रॉपर दिखनी चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं, फ़ोन ऑन है नहीं है? फ़ोन ऑन है अभी। और अब हम चेक करते हैं, ऑटो बटन प्रेस करेंगे। जब हम जम्पर को ब्रेक करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ रही है 19.2 MHz। ऑटो बटन प्रेस करिए फिर से। ठीक है, सही से उसकी 19.2 दिख रही है। ठीक है, जब हम इसको रजिस्टर पे चेक कर रहे हैं तो ये कम हो जा रही है। ज़रा ऑटो बटन प्रेस करिए। नाइनटीन पॉइंट वन टू ऐसा जा रहा है, इस कैपेसिटर पे नहीं आ रही है। यहाँ पे 19.12 ऐसा थोड़ा ड्रॉप डिस्टर्ब हो रही है फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी। इस WTR साइड में फ्रीक्वेंसी जो इस कैपेसिटर पे थोड़ी देखिए डिस्टर्ब हो रही है। ज़रा एक बार ऑटो बटन फिर से प्रेस करिए, कंफर्म हो जाएगा। अभी 18 पॉइंट कुछ मेगाहर्ट्ज़ के आसपास दिख रहा है, तो पैटर्न थोड़ा अजीब हो जा रहा है। मैनुअली सेट करिए, मैनुअली सेट कर पाएंगे? ऑटो बटन प्रेस करिए। मैनुअली उसको इंक्रीज करिए, ऑटो बटन प्रेस करिए। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ही है। मैनुअली सेट करिए 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है रजिस्टर के इस साइड में, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है। रजिस्टर के अदर साइड नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, इस साइड 19.2 आ रही है, इस कैपेसिटर तक ये नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटर तक ये नहीं पहुँच रहा है, इसको पहुँचाना है। ये रजिस्टर डैमेज है। ठीक है, इसके एक साइड आ रहा है 19.2, दूसरे साइड नहीं आ रहा है। तो चलिए उस रजिस्टर को पहले हम हटा देते हैं वहाँ से, फ़ोन को ऑफ कर लेते हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं DSO के ऊपर फिर से। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है?
ये फ्रीक्वेंसी 19.2 है, इस रजिस्टर तक ही नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है 19 पॉइंट, ऑटो बटन प्रेस करिए या फिर आप इसका टाइम डिवीजन चेंज करिए, थोड़ा सा चेंज करिए, बस हो गया 19.2। अब इस रजिस्टर तक ये कनेक्ट लग रहा है, ये इससे ट्रैक ओपन है, यहाँ से यहाँ अभी चेक करना पड़ेगा ऑफ करके। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद ये आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है कैपेसिटर में, ठीक है। तो हम एक बार जो है ऑफ कर लेते हैं फ़ोन को, बजर रेंज पे मल्टीमीटर लगा लेंगे और सीधा बजर रेंज पे यहाँ से चेक करेंगे। ये देखो ये जम्पर यहाँ पे टच हो रहा है, इसको पहले हम मूव कर लेते हैं और अब चेक करते हैं। ये पॉइंट कनेक्ट है, किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट नहीं है, और ये रजिस्टर इधर कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है, यहाँ पे ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं वो कैपेसिटर पैरेलल होता है तो शॉर्ट, एक साइड ग्राउंड होगा, एक साइड ये ग्राउंड साइड और ये ओ, यानी कि ये WTR के अंदर प्रॉब्लम है। आपको दिख रहा है ये WTR जो है यहाँ पे, ये WTR शॉर्ट है, इसके अंदर एक्सो लाइन पे बजर आ रहा है। एक बार कंफर्म करते हैं, ठीक है, दोनों साइड, इसीलिए जम्पर लगाते ही जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉप हो रही है। चलिए अब फाइनल इसको हम क्लियर करते हैं, WTR को हटा लेते हैं, उसके पैड तक कंफर्म कर लेंगे ट्रैक को, उसके बाद हम WTR को लगाएंगे, दूसरा WTR यहाँ पे लगाएंगे। तो एक WTR यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग आ रही थी उसको चेक करने के लिए हम इस WTR को पहले रिमूव करेंगे। एक तो एक्सट्रोइंग लाइन ओपन थी, ऊपर से शॉर्ट भी आई है WTR से, इसीलिए जैसे ये जंपर हो रहा है एक्सट्रोइंग का WTR वाली लाइन में, तो तुरंत फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जा रही है। WTR हटा लिया है और अब हम चेक करेंगे यहाँ पे बजर आ रहा नहीं आ रहा। तो देखिए हट गया बजर, और ये जो एक्सो इन की लाइन है इसको इस कैपेसिटर के थ्रू जो है हम, ये देखिए इनके बीच का भी ट्रैक ओपन है, यहाँ से जो ट्रैक होता है जो इस कैपेसिटर से इस रजिस्टर तक ले जाएगा वो ट्रैक भी अभी ओपन हुआ, पहले था ये, ठीक है ठीक है। ये कैपेसिटर हमारा जो है ना सीरीज में है ना, तो यहाँ से कैपेसिटर का अदर साइड, इसका अदर साइड यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर इसका अदर साइड ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इधर कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही थी WTR की वजह से, अब हम इस जम्पर को केवल कनेक्ट करेंगे और सीधा सीधा WTR यहाँ पे दूसरा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे WTR जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी एक्सो इन फ्रीक्वेंसी को और ट्रैक भी ओपन था। ठीक है, ये ट्रैक कनेक्ट कर दिया, अब हम WTR यहाँ पे लगाएंगे।
और जो दूसरा कैपेसिटर हमने रिमूव किया है यहाँ से, वो कैपेसिटर सीरीज में नहीं है, वो पैरेलल है, यानी एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है, तो उस कैपेसिटर को हम नहीं लगाएंगे बोर्ड में। तो यहाँ पे एक वर्किंग WTR हमें चाहिए। तो एक वर्किंग WTR है जो कि रिवॉल्व किया हुआ है, इसको पहले हम वॉश करेंगे। इस कंडीशन में आप वर्किंग WTR यूज़ करेंगे, यानी कि पूरी तरह से चलते हुए फ़ोन का, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। या फिर आपके पास अगर OG WTR है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ये एक वर्किंग WTR है, मतलब कि बोर्ड से निकाला हुआ है, फ्रेश वर्क करता हुआ फ़ोन था। क्योंकि इस कंडीशन में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप अगर यूज़ करते हो तो फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और उसके बाद इस जम्पर को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे और देखते हैं यहाँ पे जो बजर आ रही थी वो बजर आना बंद हुआ या अभी भी बजर आ रही है। एक्चुअल में ये शॉर्ट नहीं था पहले से, बाद में शॉर्ट हुआ ये WTR जम्पर करने के टाइम, क्योंकि जब हमने शुरू में देखा था तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी। ठीक है, और वोल्टेज आ रही थी मतलब शॉर्ट नहीं था, बाद में ये WTR काम करते टाइम ही अभी ये शॉर्ट हुआ WTR। और अब बताओ इस तरह की कंडीशन में आपका जो है WTR अगर ख़राब हो जाता है और आप सही से ट्रेसिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे फंस जाओगे आप। ठीक है, बजर रेंज पे हम करके इसको चेक करते हैं फिर से, शॉर्टिंग है या गई। ठीक है, शॉर्टिंग गई। अब हम चेक करते हैं बोर्ड में लगा के और सिम लगा के, यहाँ पे नेटवर्क आ रहा नहीं आ रहा। तो इस फ़ोन के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी हो चुकी है, यानी कि यहाँ MMC प्रोग्राम तक हो गया इसका, जिसने भी किया उन्होंने बताया कि इसके अंदर हमने MMC प्रोग्राम भी कर दिया, रीप्रोग्राम यानी कि बैड सिक्योरिटी रिपेयर करके दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करने के बाद भी नहीं हुआ, सारी IC चेंज हो गई, सभी पैड वैल्यू ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे XO की लाइन ओपन मिली है, चलिए एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एंटीना कनेक्ट करने के बाद नेटवर्क आ रहा है, वोल्टी नेटवर्क भी शो हो रहा है, दूसरा नेटवर्क यहाँ पे नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं दिख रहा, जैसे एंटीना हटाया देखिए ये वीक हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें काम हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा वीकनेस आ गया नेटवर्क में। यहाँ पे जैसे हम एंटीना कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क जो है फुल स्ट्रेंथ में आ जा रहा है वोल्टी, और जो दूसरा नेटवर्क है अभी शो नहीं हो रहा है, वो भी शो हो जाएगा, एंटीना में दिक्कत होगा वो। तो इसका पैनल नहीं है मेरे पास, बैक पैनल जिसमें हम इसको लगा नहीं सकते अभी। इस तरह से हम एक बार जो है जो दूसरा सिम है वो क्या आइडिया है इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं नेटवर्क प्रेफर्ड में LTE करके, और देखते हैं यहाँ पे आइडिया का 4G आ रहा नहीं आ रहा। वोडाफोन और आइडिया जो होता है ना वो नेटवर्क एंटीना केबल अगर ओपन रहेगा ना तो वो नेटवर्क नहीं आती है वोडाफोन और आइडिया में, जबकि जियो एंटीना अगर ओपन भी रहेगा तब भी वो नेटवर्क शो कर देता है।
तो अब इसका 2G जो एंटीना नहीं आ रहा है, एंटीना की वजह से जो दिक्कत है उसे ठीक करना होगा। एंटीना का पूरा जंपरिंग करके देखना होगा और एंटीना सर्किट को भी देखना होगा। तो यहाँ पे एंटीना सर्किट में एक छोटा सा कंपोनेंट दिख रहा है, इसको हम शॉर्ट करके देखेंगे। देखिए शॉर्ट करते ही नेटवर्क जो है फुल आ गया यहाँ पे, अब देख सकते हैं। अब ये कौन सा कंपोनेंट है मैं अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो जैक है, जो कि एंटीना का सेकेंडरी जैक होता है, जहाँ पे केबल इन होता है उसके ऊपर, वहाँ पे इस फ़ोन में एक कैपेसिटर लगा के उसको बाईपास किया गया होता है, उसको हमने शॉर्ट किया। अभी हम इस पर क्या करते हैं, जम्पर लगा देते हैं। इस कैपेसिटर के ऊपर हम ये जम्पर इसके इनसाइड से आउटसाइड पर पूरा लगा सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिखे, जियो का सिम डिटेक्ट हो रहा है, एयरटेल या वोडाफोन नहीं आ रहा, तो उस टाइम आप बिल्कुल भी आईसी पे काम मत करना। सीधा सीधा आप पहले एंटीना पे काम करना, एंटीना जैक को बाईपास करके देखना, एंटीना केबल और सब बोर्ड पे काम करना है आपको। तो देख सकते हैं दोनों नेटवर्क यहाँ पे फुल बिल्कुल भी क्लियर दिख रहा है। दूसरे वाले से भी कॉल कर लेते हैं। तो शायद दूसरे की वैलिडिटी जो है वो ख़त्म है, केवल ये नेटवर्क के लिए है, वैलिडिटी इसका ख़त्म है। और ये एंटीना कनेक्ट जब तक रहता है, ये बैक साइड का जो पैनल है, पैनल में इसका पूरा एंटीना होता है, तो उसको लगाने के बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम फिर से यहाँ पे इसे कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैनल लगाने के बाद देखिए आ गया नेटवर्क। पूरा पैनल लगाने के बाद ये नेटवर्क जो है पूरी तरह से फुल हो जाएगा। देखिए आइडिया से भी, ये वोडाफोन आइडिया से भी कॉल हो रहा है। ठीक है,